गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, संगठन सरकार की समीक्षा करेगा, यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है, किसी और दल में नहीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा में गुटबाजी की कोई जगह नहीं है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कोरोना की राहत भरी खबर जारी है, लगातार कोरोना के केस कम हो रहे हैं, कोरोना के मरीजों में सुधार हो रहा है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि संगठन सरकार की समीक्षा करेगा, यह सिर्फ बीजेपी में ही संभव है। मुरलीधर राव के बयान पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हम सब मुट्ठी की तरह एक हैं, बीजेपी में लॉबिंग की जगह नहीं है। उन्होंने हमीदिया से गायब 856 रेमडेसिविर मामले में कांग्रेस के आरोप पर कहा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, वे नाम बताएं कौन इसमें शामिल था। वहीं उन्होंने कोरोना डेल्टा प्लस के लगातार आ रहे मामलों पर कहा कि इस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है, इसकी समीक्षा की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही निकल के आ सकता है, कांग्रेस में तो गुट होते हैं, संगठन होता ही नहीं है, वहाँ अलग गुट होता है, कमलनाथ गुट का, अजय सिंह गुट का, पचौरी गुट का, दिग्विजय गुट का। संगठन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है। अच्छा है ये, यही तो मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। हम सब साथ चलेंगे तो वो जो लोग भ्रम की राजनीति और भ्रम के द्वारा भय की राजनीति कर रहे हैं उनको तभी समझ में आएगा। नाम लेना, वो अपनी पार्टी जैसा समझते हैं बाकी की पार्टियों को। साधु चोर लंपट और ज्ञानी, अपनी सी गत सब की जानी। बिल्कुल मैं उसे सहमत हूँ, किसी को नहीं पढ़ना चाहिए, हम सब एक हैं, मुट्ठी की तरह कसे हुए बीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।